so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step. तो दोस्तों देखिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे बैंगलोर में टेंपल पे. ये है अचताल लेआउट में टेंपल है और देखिए यहाँ की लोकेलिटी कितनी बढ़िया है. बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है. आगे चलते स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर से मंदिर कैसा बना हुआ. अभी देखिए यहाँ पे आरती भी चल रही है हम मंदिर पे. बट इसका मेन गेट देखिए कितना सुंदर लग रहा है. ये मेन इस मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है और इसके साइड साइड में बहुत सारे छोटे मंदिर बने हैं और साइड में जिस मेन गेट से जस्ट सामने ये इधर से ये देखिए इधर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है. उस पार्क के साथ में मंदिर बना हुआ है. ये मंदिर बना है उसके साइड साइड में पूरा एक गार्डन टाइप का बहुत बड़ा बना हुआ है. यहाँ पे दीपक जल रहे हैं साइड में. ये मंदिर के जगन्नाथ मंदिर की मेन एंट्रेंस है. आसपास का एरिया देखिए कितना सुंदर है. मंदिर का गेट देखिए, मंदिर की कारीगरी देखिए कितनी बढ़िया है. कितने सुंदर सुंदर देखिए कितनी मूर्तियाँ बनी हुई है. ये बहुत ही हिस्टोरिकल टेंपल है. देखिए मंदिर तो देखिए वैसे ज़्यादा बड़ा बना नहीं है बट बहुत ही सुंदर बना है. अभी मैं आपको बैक व्यू उस मंदिर का दिखाता हूँ. ये देखिए ये है इस मंदिर का, ये बैक से व्यू है. देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ, कितने हाइट पे बना हुआ है और इसमें हर एक पूरी वॉल पे छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं. और ये कोई ऐसे डायरेक्ट मूर्तियाँ नहीं लगी हुई हैं, ये पत्थर को तराश के ये सब मूर्तियाँ बनाई गई हैं. देखिए नरसिम्हा भगवान और ये पूरे अलग अलग तीन मंदिर अलग अलग बहुत सारे मंदिर बने हुए. देखिए छोटे मंदिर, उसके एक साइड में बड़ा मंदिर और बहुत ही पुराना मंदिर है. उसको बाद में थोड़ा सा डेकोरेट किया गया बट ये मंदिर है बहुत पुराना. बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा है. बाहर का पास में हनुमान टेंपल है और देखिए हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी है.
हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी बनी हुई है। और ये साइड में ही ये है हनुमान टेम्पल है। और ये सब शॉप शॉप है सब। इधर देखिए व्यू कितना अच्छा है। इधर पीछे से बादल और देखिए हनुमान जी की मूर्ति कितनी बहुत तो बहुत बड़ी मूर्ति है। ये कितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। और बहुत ही पुरानी मूर्ति बनी है ये। अभी अभी की नई मूर्ति नहीं है, बहुत पुरानी मूर्ति है। पता नहीं पहले ज़माने में लोगों ने कहते इतनी बड़ी मूर्ति बनाई होगी। ना कोई क्रेन थी ना कोई आर्किटेक्ट कर था। देखिए और इसके साइड में इसका ये बेस देखिए, बेस कितना बड़ा। ये देखिए है स्तंभ है मंदिर का और ये राम जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। हाँ बड़े थोड़ा पुराना मंदिर है। यहाँ पे देखिए आवाज़ भी मिली है। अगर आप लोग सिल्क रोड बोर्ड के पास में हैं और आप लोग लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो आपको मतलब सही प्राइस का अगर अच्छा खाना चाहिए तो आप यहाँ पे सरदार दा ढाबा आ सकते हैं। ये बस सिल्क बोर्ड है, सिल्क बोर्ड के से लेफ्ट लेके एकदम स्ट्रेट पे बना हुआ है। तो यहाँ का ये देखिए, यहाँ का ये मेन्यू है।